जैसे टीरो, टीरो कोई वर्ड नहीं होता, रोटी होता है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं, जैसे कि सड़क, धरती और रोटी, ठीक है। तुम देख सकते हो कि ऊपर के वर्णों के मेल से ऐसे शब्द नहीं बन रहे हैं जिनका कोई अर्थ हो, किंतु नीचे उन्हीं वर्णों के मेल से सड़क, धरती, रोटी जैसे शब्द बन रहे हैं जिसका एक अर्थ है। अब यहाँ पे इसका मीनिंग है, वर्णों का एक ऐसा मेल जिसका कुछ अर्थ निकाला हो, निकलता हो, शब्द कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का एक ऐसा मेल जिनसे कोई अर्थ, या कुछ कुछ अर्थ भी ले सकते हो, या जिनसे कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है पद। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, ये सभी को पता है, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, जैसे ये पूरे पूरे वाक्य बन रहे हैं ना, ठीक है। जब वह शब्द जब वाक्यों में प्रयोग होते हैं तो उनको पद कहा जाता है। शब्दों के भेद क्या होते हैं? हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, फिर रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो इन तीनों को हम आगे क्लास में आपको कंटिन्यू कराएंगे।